भारत महान किंवदंतियों का देश है। इस देश ने कई महान साम्राज्य, शासक, राजाओं को जन्म दिया है, जिसमें से राजस्थान की मिट्टी से कई महान साम्राज्य उठे हैं। 12वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। जितना महान और विशाल था राजस्थान, उससे ज्यादा रहस्यमय और राजों से भरा हुआ था, और उनमें से एक है कुलधरा, जिसके बारे में अनेकों कहानियां मशहूर हैं। बताया जाता है कि कुलधरा हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है, क्योंकि इस गांव को एक श्राप मिला था जो आज भी मौजूद है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कुलधरा के रहस्य के बारे में। चलिए। कुलधरा भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले का एक अबैंडेंड विलेज है। ये गांव 13वीं शताब्दी के दौरान पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा एक समृद्ध गांव था, लेकिन 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में अज्ञात कारणों से अचानक बंजर हो गया। कुछ लोग ये बताते हैं कि संभवतः पानी की कमी के कारण गाँव बंजर हो गया, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह द्वारा उत्तीर्णता के कारण लोग चले गए थे, लेकिन असली सच किसी को नहीं पता। 2017 के एक रिसर्च से ये पता चलता है कि कुलधरा और अन्य पड़ोसी गांवों को भूकंप के कारण छोड़ दिया गया था। कुलधरा गांव जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट पार्ट में मौजूद है। गाँव में आज भी टूटी दीवारें और मकानों के अवशेष देखने को मिलते हैं, और अगर गांव के वेस्टर्न पार्ट में जाएं तो उधर छोटी काकनी नदी के अवशेष देखने को मिलते हैं जो अब सूख चुकी है। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली से जैसलमेर क्षेत्र चले गए थे। लक्ष्मीचंद्र द्वारा लिखी गई 1899 की एक इतिहास की किताब तवारे के जैसलमेर में कहा गया है कि कड़ान नामक एक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाले पहले व्यक्ति थे। कुलधरा में 401 इमारतों के खंडर गांव के पूर्वी हिस्से में देखे जा सकते हैं। 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान कुलधरा की आबादी 1588 बताई गई है, लेकिन समय के साथ ये आबादी कम होती गई। 19वीं शताब्दी तक गांव अज्ञात कारणों से निर्जन हो गया। 20वीं शताब्दी में प्रस्तावित संभावित कारणों से पानी की कमी और सलीम सिंह नामक दीवान का अत्याचार शामिल है। 1815 तक गांव के अधिकांश कुएं सूख चुके थे। 1850 तक केवल स्टेप वेल और अन्य गहरे कुएं ही बचे थे। एक स्थानीय किंवदंती का दावा है कि जैसलमेर के क्रूर मंत्री सलीम सिंह ने गांव पर अत्यधिक कर लगाया, जिससे इसकी गिरावट हुई। लेकिन आसपास के गाँव वाले ये बताते हैं कि कुलधरा एक श्रापित गाँव है, जिसमें आज भी कुलधरा के लोगों की आत्मा भटकती है। बताया जाता है कि कुलधरा एक समय बहुत आबाद था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह बहुत दुष्ट किस्म का था, जिस वजह से उसे कई लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बार सलीम सिंह को गांव की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई, और वो उसको हर कीमत पे पाना चाहता था। लेकिन गाँव वाले मंत्री को बखूबी जानते थे, और उन्होंने उसको लड़की देने से मना कर दिया। इस बात से सलीम सिंह गुस्से से पागल हो गया, और उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर गांव पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने गांव वासियों की फसल तबाह करना शुरू कर दी, लोगों को मारना, उनकी लड़कियों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन गाँव वाले नहीं माने, और एक रात पूरे गाँव वासी अचानक गाँव छोड़ के चले गए। लेकिन जाने से पहले गाँव वासियों ने गाँव को एक श्राप दिया कि कोई भी इंसान अब इस गांव में नहीं बस पाएगा, और जो कोई भी इसकी कोशिश करेगा उसको मौत का सामना करना पड़ेगा। और तब से लेके आज तक कुलधरा बंजर पड़ा है। कोई नहीं जानता कि गांव के लोग किधर गए, मंत्री सलीम सिंह का क्या हुआ, क्या वो और उसके आदमी श्राप का शिकार हो गए और उनकी भी आत्मा इसी बंजर गाँव में हमेशा के लिए समा गई। कुछ स्थानीय किंवदंतियाँ तो ये भी हैं कि लड़की ना मिलने के कारण सलीम सिंह ने रातों रात पूरे गांव वासियों को जिंदा ही जला डाला, और मरते मरते गांव वालों ने गांव को श्राप दे दिया।
जबकि कुछ ये भी बताते हैं कि कुलधरा और उसके आसपास के 83 अन्य गांव भी रातों रात खाली हो गए थे। समय आगे बढ़ता गया लेकिन लोगों के जहन से कुलधरा नहीं निकल पाया। कई सालों तक बंजर पड़े रहने के बाद कुछ लोग गांव में बसने आए, लेकिन शायद उन्होंने शराब पे ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से उन लोगों की अकस्मात मौत होना शुरू हो गई। कई लोगों ने तो ये तक दावा किया है कि दिन के समय तो कुलधरा एक सामान्य गांव जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है गांव में अनजानी सी हलचल मालूम पड़ती है। पहले लोगों को लगा कि ये किसी गिरोह या डाकुओं का काम है, लेकिन वे गलत साबित हुए क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई डाकू नहीं आते जाते थे। बताते हैं कि रात के समय गांव की गलियों और सड़कों पर औरतों के बात करने की आवाज़ आती है। उनकी पायलों की आवाज़ पूरे गांव में गूंजती है और जो कुएं सदियों से खाली पड़े हुए हैं उनमें से कभी कभी किसी के रोने तो किसी के सांस लेने की आवाज़ें आती हैं। इन सब से डर के वे लोग गांव छोड़कर भाग गए। कुलधरा धीरे धीरे एक प्रेतवादी स्थान से मशहूर होने लगा और रात के समय किसी की हिम्मत तक नहीं होती कि वे इस गाँव के आसपास भी आ पाते। जब इसके बारे में जानकारी दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी को लगी तो वे लोग इसके पीछे के सच को जानने के लिए कुलधरा के लिए निकल पड़े। 18 सदस्य की एक टीम ने 10-12 अन्य लोगों को साथ लेकर गांव जाने का फैसला किया और सब लोग सुबह 10 बजे कुलधरा गांव पहुंच गए। बस उनको रात का इंतज़ार था क्योंकि जो कुछ भी कुलधरा में होता है वो सब रात के समय ही होता है, तो वे सब लोग रात की तैयारी में लग गए। उन्होंने गाँव में जगह जगह पर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिएशन मीटर सेट कर दिए और साथ में हाइपर सेंसिटिव कैमराज लगा दिए जो किसी भी हल्की सी हलचल पर फोटो कैप्चर कर लेते थे। दिन का समय तो उन लोगों का आराम से बीत गया, लेकिन जैसे जैसे शाम होना शुरू हुई उन लोगों को कुलधरा के माहौल में भारीपन महसूस होने लगा। एक अजीब सी मायूसी छाने लगी पूरे कुलधरा गाँव में और फिर रात होते ही जो कुलधरा दिन के उजाले में खंडन लग रहा था वही कुलधरा रात के अंधेरे में मानो फिर से जाग उठा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम को कुलधरा में हलचल महसूस हुई और घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो खूब सारी औरतें और बच्चे गांव में घूम रहे हैं। जब उन्होंने अपने हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में चेक किया तो उनका इक्विपमेंट एक अलग ही फ्रिक्वेंसी कैप्चर करने लगा और ऐसी फ्रिक्वेंसी जो बढ़ती ही जा रही थी। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे, पर आसपास तो छोड़ो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। सब लोग घबराए गांव के दूसरे हिस्से की तरफ गए तो उनको गांव के बीचों बीच मौजूद मंदिर के आसपास कुछ छाया सी दिखी और तभी सारे कैमराज अचानक से फोटो कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भयानक नज़ारा देखकर सब लोगों की आंखों में खौफ भर गया, लेकिन उनको सच जानना था तो वे सब रुके रहे। टीम के लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने भूतों और आत्माओं के साथ बात करने के लिए गोस्ट बॉक्स का यूज़ किया, जिसकी मदद से उन्होंने उनसे बात भी की और उनको जवाब भी मिला। कई लोगों ने तो ये भी महसूस किया कि कोई उनके कंधे को छू रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता था। टीम के पास K2 मीटर थे जिसका यूज़ उन्होंने कुलधरा के रात के तापमान को जानने के लिए किया था और उनको तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। अगर एक जगह का तापमान 41 डिग्री था तो थोड़ा आगे जाते ही 31 डिग्री हो जाता था। पूरी टीम ने 12 लंबे भयानक घंटे इस गांव में बिताए थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों के मन से डर को दूर करना है। शुरुआत में टीम के साथ बहुत सी अजीब चीज़ें हुईं, लेकिन जैसे जैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया अजीब गतिविधियों में कमी आने लगी। सुबह होते होते टीम का डर सवालों में बदल गया। वे लोग कुलधरा में कुछ मौजूद होने को सिरे से नहीं नकार सकते क्योंकि कुलधरा में कुछ तो मौजूद है, जो उनके लिए भी एक प्रश्न था। अगर वे इन बातों को मन का वहम भी मान लें तो वे इस बात को कैसे झुठला पाएंगे कि उनके इक्विपमेंट्स ने कुलधरा में रात के समय रिस्पॉन्ड किया था। क्या मालूम कुलधरा के बंजर मकानों और टूटे मंदिरों के पीछे क्या राज है। पर एक बात तो तय है, कुलधरा में कुछ तो ऐसा ज़रूर मौजूद है
जो आज भी उसको हॉन्टेड बनाता है। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग सुबह के समय यहाँ आते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कुलधरा में रात के समय जाना आज भी मना है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन रात के समय आपके साथ जो कुछ भी कुलधरा में होगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे।